सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल इन सिक्स क्लास. सो टुडे वी विल स्टडी इंग्लिश रीडर लेसन थर्ड, माई स्कूल डेज. ओके, एंड इट्स थीम इज़ ऑटोबायोग्राफी. एंड बिफोर स्टार्टिंग द लेसन आई विल टेल यू वन थिंग. बच्चे जस्ट लिसन केयरफुली, दैट यूर पेरेंट्स आर कंप्लेनिंग दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द लेसन, एंड फॉर दैट आई विल डायरेक्टली टेल यू हिंदी आफ्टर रीडिंग द चैप्टर. दिस इज़ द ईजिएस्ट वे. So just try to understand the lesson. Okay, I am going to start. So its theme is autobiography. Autobiography, you know what is it? Autobiography, when someone write about himself or herself. Okay, जब कोई अपने बारे में लिखता है तो वही उनकी autobiography होती है. तो इसका जो my school days है, इसका जो theme है वो autobiography है. Okay, let's start. Okay, मोहनदास करमचंद गांधी 1869 to 1948, commonly known as गांधी जी, was a famous freedom fighter. जो मोहनदास करमचंद गांधी थे, जो जिन्हें हम महात्मा गांधी भी कहते हैं, उनका जो बर्थ था 1869 से 1948 तक वो हमारे साथ रहे, और उनको कॉमनली किस नाम से जाना जाता है? फेमस फ्रीडम फाइटर. ठीक है, फ्रीडम फाइटर थे वो. ही इज़ एक्नॉलेज्ड इन इंडिया एज द फादर ऑफ द नेशन. अब उनको फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, उनको राष्ट्रपिता के नाम से भी जाना जाता है. गांधी जी वॉज ऑल्सो एन एफिशियंट राइटर. वो एक प्रभावशाली राइटर भी थे, एफिशियंट राइटर भी थे. ही रोट मैनी बुक्स, बहुत सी बुक्स लिखी उन्होंने, इंक्लूडिंग एन ऑटोबायोग्राफी भी लिखी उन्होंने अपनी. एंड इट्स नेम वॉज द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ. और उसका नेम था ऑटोबायोग्राफी का, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ. Read the given extract from his autobiography. So this is the story that you are seeing in your book. Exactly this is the extract. ये उनकी autobiography में से एक extract लिया गया है, उनकी autobiography में से एक extract लिया गया है. Okay, so just start the lesson. Okay, I must have been about 7 when my father left Porbandar for Rajkot. तो उनका वो कह रहे हैं इसमें कि मैं जब 7 साल का था तब मेरे पापा ने पोरबंदर छोड़ के राजकोट आ गए थे. देयर आई वॉज पुट इन टू अ प्राइमरी स्कूल. वहाँ पर मुझे प्राइमरी स्कूल में डाला गया. एंड आई कैन वेल रिकलेक्ट दोज डेज. और मैं अच्छी तरह से उन दिनों को याद कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग द नेम्स एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स हु टॉट मी. अपने टीचर्स के नेम के साथ साथ उनकी कुछ खास चीज़ें भी को भी मुझे अच्छी तरह से याद हैं. एज एट पोरबंदर सो हेयर देयर इज़ हार्डली एनीथिंग टू नोट अबाउट माई स्टडीज़. जैसे कि पोरबंदर में था तो यहाँ भी ऐसा ही था कि कोई खास चीज़ें नहीं थी मेरी स्टडी के बारे में जो कि नोट कर सके कोई. आई कुड ओनली हैव बीन अ मेडियोकर स्टूडेंट. वो वहाँ पर एक मेडियोकर स्टूडेंट थे, मतलब ना ज़्यादा इंटेलिजेंट थे ना ज़्यादा बुद्धू थे. फ्रॉम दिस स्कूल आई वेंट टू द सब अर्बन स्कूल एंड देंस टू द हाई स्कूल. और इस स्कूल से मैं सब अर्बन स्कूल में गया. सब अर्बन मतलब जो ज़्यादा डेवलप्ड ना हो, ठीक है, अनडेवलप्ड. ओके, तो वो अनडेवलप्ड शहर में गए. हैविंग ऑलरेडी रीच माई 12th ईयर. ओके, जब वो 12 साल के हो गए थे. आई डोंट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई. और मुझे याद नहीं कि मैंने कभी झूठ बोला हो ड्यूरिंग दिस पीरियड ईदर टू माई टीचर्स और टू माई स्कूलमेट्स. इस पीरियड के दौरान ना तो मैंने अपने क्लासमेट्स से झूठ बोला ना ही अपने टीचर्स से झूठ बोला. आई यूज़ टू बी वेरी शाई एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी. आई यूज़ टू बी वेरी शाई. मुझे बहुत ही शर्म आती थी और मैं अपनी सारी कंपनी को अवॉइड करता था, मतलब कोई भी मेरे साथ, मैं किसी के साथ ज़्यादा बैठता उठता नहीं था. माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई सोल कंपेनियंस. जो मेरी बुक्स थी और जो मेरे लेसन थे सिर्फ वही मेरे साथी थे. सोल मतलब एकमात्र. ओके, टू बी एट स्कूल एट द स्टॉक ऑफ द आवर एंड टू रन बैक होम एज सून एज द स्कूल क्लोज्ड. टू बी एट द स्कूल, स्कूल में होने के साथ साथ जब मैं एकदम एक स्टॉक में ही, एक घंटे के स्टॉक में ही मैं अपने वापस घर पहुंच जाता था जैसे ही स्कूल क्लोज्ड होता था. ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. दैट वॉज माई डेली हैबिट. आई लिटरली रेन बैक बिकॉज आई कुड नॉट बियर to talk to anybody. I was 7 afraid lest anyone should poke fun at me. Okay, so what happened in this stanza? That was my daily habit. ये उनका daily habit था. क्या कि मतलब जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती थी तो वो एक घंटे के अंदर अंदर अपने घर पर पहुँच जाते थे. I literally ran back because I could not bear to talk to anybody. I was even afraid lest anybody should poke fun at me. तो क्या था कि वो
सच में वो ऐसा करते थे क्योंकि उनको लगता था कि मुझे किसी से बात नहीं करनी है, ना ही कोई मुझे बात करे, और तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, और वो सच में इस चीज़ से डरते थे कि कोई उसको पकड़ के उनका मजाक ना उड़ाने लग जाए. सो देयर इज़ एन इंसिडेंट विच अकर्ड एट द एग्जामिनेशन ड्यूरिंग माई फर्स्ट ईयर एट द हाई स्कूल एंड विच इज़ वर्थ रिकॉर्डिंग. तो एक इंसिडेंट मीन्स घटना, एक घटना और हुई जो कि एग्जामिनेशन के टाइम में हुई. ओके, दैट वाज हिज फर्स्ट ईयर, जो उनका फर्स्ट ईयर था हाई स्कूल में, फर्स्ट ईयर था एंड विच इज़ वर्थ रिकॉर्डिंग, और जो कि बहुत ही याद करने लायक है. मिस्टर जाइल्स द एजुकेशनल इंस्पेक्टर हैड कम ऑन अ विजिट ऑन ऑफ इंस्पेक्शन. जो मिस्टर जाइल्स थे वो एजुकेशनल इंस्पेक्टर थे और वो एक विजिट के लिए आए थे, इंस्पेक्शन करने के लिए आए थे. ही हैड सेट अस 5 वर्ड्स टू राइट एज अ स्पेलिंग एक्सरसाइज. उन्होंने हमें 5 वर्ड्स लिखने के लिए दिए एक्सरसाइज के लिए, वो देखना चाहते थे, चेक करना चाहते थे. वन ऑफ द वर्ड्स वॉज कैटल, और उनमें से एक वर्ड कैटल था. आईड हैड मिस स्पेल्ड इट, और मैंने इसको गलत लिख दिया, गलत स्पेलिंग लिख दी मैंने इसकी. द टीचर ट्राई टू प्रॉम्प्ट मी विद द पॉइंट ऑफ हिज बूट बट आई वुड नॉट बी प्रॉम्प्टेड. टीचर ने अपने जो शूज़ पहने हुए थे उस शूज़ से मुझे इशारा किया, बट आई वुड नॉट बी प्रॉम्प्टेड, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया. ओके, प्रॉम्प्टेड मीन्स मतलब उनको उकसाया कि भाई चीटिंग कर लो. इट वॉज़ बियॉन्ड मी टू सी दैट ही वॉन्टेड टू कॉपी द स्पेलिंग फ्रॉम माई नेबर स्लेट. वो मतलब मुझे ये कहना चाहते थे कि जो तुम्हारे पास बैठा हुआ बच्चा है उसकी स्लेट से स्पेलिंग की कॉपी कर लो. फॉर आई हैड थॉट दैट द टीचर वॉज देयर टू सुपरवाइज अस अगेंस्ट कॉपिंग. तो उसको जो गांधी जी थे उनको ऐसा लगा कि भाई ये तो जो है कॉपी कैसे करते हैं, बच्चे करते भी हैं या चीटिंग करता है, तो वो सुपरवाइज़ करने के लिए ऐसा बोल रहे थे. वो खुद सुपरवाइज़ करना चाहते थे कि ये कॉपी करता है या नहीं करता है मेरे उकसाने के बाद भी. द रिज़ल्ट वॉज दैट ऑल द बॉयज एक्सेप्ट माई सेल्फ वर फाउंड टू हैव स्पेल्ड एवरी वर्ड करेक्टली. तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि जो सारे बॉयज़ ने अच्छी तरह से सारी स्पेलिंग्स लिखी, सिर्फ मेरे अलावा, ओनली आई हैड बीन स्टूपिड, सिर्फ मैं ही वहाँ पे स्टूपिड पाया गया. द टीचर ट्राइड लेटर टू ब्रिंग दिस स्टूपिडिटी होम टू मी बट विदाउट इफेक्ट. आई नेवर कुड लर्न द आर्ट ऑफ कॉपिंग. सो द टीचर ट्राइड लेटर टू ब्रिंग दिस. तो जो टीचर थे उन्होंने मुझे बाद में समझाने की कोशिश की कि भाई ये थोड़ा बहुत आना चाहिए. यहाँ पे है होम टू मी, मतलब ये एक फ्रेज़ है, इसका मतलब है कि थोड़ा सा उस चीज़ को कॉपी करना सीखो. आई नेवर कुड लर्न द आर्ट ऑफ कॉपिंग बट विदाउट इफेक्ट. लेकिन वो बोल के चले गए और मेरे ऊपर इस चीज़ का कोई असर ही नहीं हुआ एंड मैंने कभी कॉपी करना सीखा ही नहीं. नाउ कम टू नेक्स्ट स्टेंजा. माई स्टडीज़ वर कंटिन्यूड. आई वॉज नॉट रिगार्डेड एज अ ड्यून्स एट द हाई स्कूल. मेरी जो पढ़ाई थी वो ऐसे ही कंटिन्यू रही, और लेकिन मुझे जो है ड्यून्स, यहाँ पे देयर इज़ अ वर्ड ड्यून्स, ड्यून्स मीन्स अ पर्सन स्लो एट लर्निंग. मुझे कभी भी इस तरह से आइडेंटिफाई नहीं किया गया कि मैं पढ़ने में स्लो हूँ. आई ऑलवेज एन्जॉयड द अफेक्शन ऑफ माई टीचर्स, सर्टिफिकेट्स ऑफ प्रोग्रेस एंड कैरेक्टर यूज टू बी सेंड टू द पेरेंट्स एवरी ईयर. ओके, सो वट इज़ बींग सेड हेयर. आई ऑलवेज एन्जॉय द अफेक्शन. मुझे मतलब हमेशा ही टीचर्स का प्यार मिला, सर्टिफिकेट्स, प्रोग्रेसिंग सर्टिफिकेट्स मिले, कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स दिए गए, मेरे पेरेंट्स को भिजवाए गए. आई नेवर हैड अ बैड सर्टिफिकेट. मेरे पास कोई बैड सर्टिफिकेट नहीं मिला मुझे. इन फैक्ट आई इवन वोन प्राइजेज आफ्टर आई पास्ड आउट ऑफ द सेकेंड स्टैंडर्ड. और सेकेंड स्टैंडर्ड के पास होने के बाद तो मुझे प्राइज भी मिला. इन द फिफ्थ एंड सिक्स्थ आई ओबटेन स्कॉलरशिप ऑफ ₹4 and ₹10 रेस्पेक्टिवली. और मुझे फिफ्थ और सिक्स में तो मुझे स्कॉलरशिप भी मिली. कितने रुपए की? 4 की और 10 रुपीज़ की. 4th की मिली फिफ्थ क्लास में एंड 10 रुपीज़ की मिली सिक्स्थ क्लास में. नाउ कम टू नेक्स्ट एग्जाम. माई ओन रिकलेक्शन इज़ दैट आई हैड नॉट एनी हाई रिगार्ड ऑफ माई एबिलिटी. और मेरा खुद का कलेक्शन ये था, जहाँ तक मुझे याद है, कि मैं अपनी एबिलिटी पे कोई भी मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, ज़्यादा उसको मतलब प्राउड फील नहीं करता था जो भी मेरे अंदर थोड़ी बहुत एबिलिटी थी. आई यूज़ टू बी एस्टोनिस्ड whenever आई won prizes and scholarship. और मुझे तो हैरानी होती थी कि मुझे scholarship और prizes मिल कैसे जाते थे. बट आई वेरी जेलियसली गार्डेड माई करेक्टर. मैं जलता तो था लेकिन अपने करेक्टर को गाइड कर लेता था. मतलब मुझे किसी को फील नहीं होने देता था कि मुझे किसी से जलन हो रही है. द लीस्ट लिटिल ब्लैमिश ड्यू टीयर्स फ्रॉम माई आईज वेन आई मेरिटेड और सीम टू द टीचर टू मेरिट और रिब्यूक. द लीस्ट लिटिल ब्लैमिश, यहाँ पे ये ब्लैमिश मीन्स होता है स्टेन, लेकिन यहाँ पे करेक्टर की बात हो रही है कि जो छोटी छोटी जो इंसल्ट होती थी वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे उससे. व्हेन आई मेरिटेड, जब उनको स्पेशल नोटिस कराते थे टीचर्स, कभी कभी उनको फटकार भी लगती थी, तो ये उनके लिए बहुत ही अनबियरेबल होता था, बर्दाश्त नहीं कर पाते थे. आई रिमेंबर हैविंग वंस रिसीव्ड कॉर्पोरल पनिशमेंट. क्या होता है? फिजिकली पनिशमेंट देना.
तो उनको कब एक बार पनिशमेंट भी मिला था कॉर्पोरल, आई डिड नॉट सो मच माइंड द पनिशमेंट, मुझे वो पनिशमेंट को मैंने माइंड नहीं किया, एज द फैक्ट दैट इट वॉज कंसिडर्ड माई डेजर्ट, आई वेप्ट पीटीएचली दैट वॉज वेन आई वॉज इन द फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड। लेकिन उन पनिशमेंट की वजह से उनको अकेला छोड़ दिया जाता था और मैं मतलब रोता रहता था, बहुत बुरी तरह से रोता रहता था, दैट वॉज वेन आई वॉज इन द फर्स्ट और ये तब की बात है जब वो फर्स्ट और सेकेंड स्टैंडर्ड में थे। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, देर वॉज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम वैन आई वॉज इन द सेवन स्टैंडर्ड, एक और इंसिडेंट था जो कि सेवन स्टैंडर्ड में था, तब हुआ था। डोराबजी अडुल जी जिमी वॉज द हेड मास्टर दैन, और ये डोराबजी अडुल जी जिमी ये हेड मास्टर थे तब। ही वॉज पॉपुलर अमंग बॉयज, और वो बहुत पॉपुलर थे बॉय, लड़कों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। एज ही वॉज अ डिसिप्लिनेरियन, डिसिप्लिनेरियन मीन्स मीन्स अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस फर्म डिसिप्लिन और रूल्स, ओके, जो मतलब रूल्स रेगुलेशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं और करवाते हैं। अ मैन ऑफ मैथड एंड अ गुड टीचर, और वो बहुत अच्छे टीचर भी थे। ही हैड मेड जिमनेस्टिक्स एंड क्रिकेट कंपल्सरी फॉर बॉयज़ ऑफ द अपर स्टैंडर्ड, जो अपर स्टैंडर्ड में बॉयज़ थे उनके लिए उन्होंने क्या क्या कंपल्सरी कर दिया था, जिमनेस्टिक एंड क्रिकेट कंपल्सरी कर दिया था। आई डिसलाइक बोथ, और मैं दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज, मैंने कभी एक्सरसाइज में पार्ट भी नहीं लिया क्रिकेट और फुटबॉल बिफोर दे वर मेड कंपल्सरी, जब तक कि उनको कंपल्सरी नहीं कर दिया गया। मैंने फुटबॉल और क्रिकेट वाली किसी भी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं किया। माई साइनेस वॉज वन ऑफ द रीज़न फॉर दिस अलूफनेस, और जो मेरी साइनेस थी, जो जैसे मैं अकेला अकेला रहता था ना, तो जो मेरी साइनेस थी, जो मैं शर्मीला था, वो मेरी अलूफनेस का एक कारण था। अलूफनेस मतलब एकाकीपन, अकेला रहना, है ना, विच आई नाउ सी वॉज रॉन्ग, जब जो अब मैं देखता हूँ कि वो बिल्कुल गलत था। आई देन हैड द फॉल्स नोशन, नोशन मीन्स आइडिया, एक विचार था उनका पहले जो कि गलत था, दैट जिमनास्टिक हैड नथिंग टू डू विद एजुकेशन, के एजुकेशन के साथ जिमनास्टिक का क्या मतलब है। टुडे आई नो, लेकिन आज मुझे पता है दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव एज मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग, के जो फिजिकल ट्रेनिंग उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि मेंटल ट्रेनिंग है एजुकेशन में। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट स्टैंजा, आई मे मेंशन हाउएवर दैट वॉज नन द वर्स ऑफ एब्स्टेनिंग फ्रॉम एक्सरसाइज। एब्स्टेनिंग मीन्स रिफ्रेनिंग फ्रॉम इंडल्जिंग इनटू समथिंग, मतलब एस्केप, बचना या भागना। सो व्हाट हैपन, व्हाट इज़ बीइंग सेड हियर, आई मे मेंशन हाउएवर दैट आई वाज नन द वर्स ऑफ एब्स्टेनिंग फ्रॉम एक्सरसाइज, और ये तब की बात है जब वो फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में थे। नाउ कम टू नेक्स्ट पेज, देर वॉज अनदर सच इंसिडेंट ड्यूरिंग द टाइम वैन आई वॉज इन द सेवन स्टैंडर्ड, एक और इंसिडेंट हुआ जब वो सेवन स्टैंडर्ड में थे। दोराबजी अडुलजी जिमी वॉज द हेड मास्टर दैन, और जो दोराबजी अडुलजी जिमी उस टाइम हेड मास्टर थे। ही वॉज पॉपुलर अमंग बॉयज़, और वो बॉयज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। एज ही वॉज अ डिसिप्लिनेरियन, डिसिप्लिनेरियन मीन अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस फर्म डिसिप्लिन और रूल्स, जो करते भी हैं रूल्स को फॉलो और करवाते भी हैं। अ मैन ऑफ मैथड एंड अ गुड टीचर, ही हैड मेड जिमनास्टिक्स एंड क्रिकेट कंपल्सरी फॉर द बॉयज़ ऑफ द अपर स्टैंडर्ड। आई डिसलाइक्ड बोथ, उन्होंने क्या कंपल्सरी कर दिया, क्रिकेट और जिमनास्टिक फॉर द अपर स्टैंडर्ड, जो अपर स्टैंडर्ड के जो बॉयज़ थे उनके लिए ज़रूरी कर दिया। लेकिन जो गांधी जी थे वो दोनों को ही डिसलाइक करते थे। आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज क्रिकेट और फुटबॉल बिफोर दे वर मेड कंपल्सरी, जब तक उनको कंपल्सरी नहीं कर दिया गया मैंने ना क्रिकेट में पार्टिसिपेट किया ना ही फुटबॉल में किया। माई शाइनेस वॉज वन ऑफ द रीज़न फॉर द अलूफनेस, जो मेरी शाइनेस थी, ये जो मेरा शर्मीलापन था, यही मेरे अलूफनेस होने का कारण था। अलूफनेस मीन्स अकेलेपन का कारण था। विच आई नाउ सी वॉज रॉन्ग, जबकि जो मुझे अब दिखता है कि वो था। आई देन हैड द फॉल्स नोशन, नोशन मीन्स आइडिया, मेरे पास एक जो एक गलत विचार था मेरे मन में, दैट जिमनास्टिक हैड नथिंग टू डू विद एजुकेशन, कि जिमनास्टिक और एजुकेशन का मतलब क्या है, ये एक साथ साथ कैसे हैं। टुडे आई नो, आज मुझे पता है दैट फिजिकल ट्रेनिंग शुड हैव एज मच प्लेस इन द करिकुलम एज मेंटल ट्रेनिंग, लेकिन आज मुझे जहाँ तक पता है मैं कंपल्सरी मानता हूँ कि मेंटल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए एजुकेशन में और फिजिकल ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट स्टैंजा, आई मे मेंशन हाउएवर दैट आई वॉज नन द वर्स फॉर एब्स्टेनिंग फ्रॉम एक्सरसाइज। एब्स्टेनिंग मीन्स एस्केप, भागना, बचना किसी चीज़ से, कि जो मेरा एक्सरसाइज से जो मैं बचता था उससे मेरी आदत जो है मेरे को और भी ख़राब हो गया।
मेरा एक्सरसाइज से बचना. दैट वॉज बिकॉज आई हैड रीड इन बुक्स अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ लॉन्ग वॉक इन द ओपन एयर एंड हैविंग लाइक द एडवाइस. मैंने क्योंकि बुक में पढ़ा था कि लॉन्ग वॉक के ओपन एयर में फ़ायदे क्या क्या हैं, जिसकी एडवाइस को मैंने लाइक भी किया था. आई हैड फॉर्म्ड अ हैबिट ऑफ टेकिंग वॉक्स. मैंने एक वॉक करने की हैबिट भी बना ली थी, विच हैज़ स्टिल रिमेंड विद मी, जो कि मेरे साथ बनी हुई थी अभी भी. वो मतलब वॉकिंग करता था, करते थे. दीज वॉक्स गेव मी अ फेयरली हार्डली कॉन्स्टिट्यूशन. और ये जो वॉक्स थी, इस वॉक ने उनको काफ़ी स्ट्रांग बना लिया था. नाउ कम टू नेक्स्ट स्टैंजा. द रीज़न ऑफ माई डिसलाइक फॉर जिमनास्टिक वॉज माई कीन डिज़ायर टू सर्व एज नर्स टू माई फादर. और जो रीज़न था जिमनास्टिक को इग्नोर करने का मेरा, वो मेरे पापा की सेवा करना था. एज सून एज द स्कूल क्लोज आई वुड हरी होम एंड बिगिन सर्विंग हिम. और जैसे ही स्कूल क्लोज होता और मैं फटाफट जाता घर पर और उनकी सेवा करने लगता. कंपल्सरी एक्सरसाइज केम डायरेक्टली इन द वे ऑफ दिस सर्विस. और इस तरह से कंपल्सरी एक्सरसाइजेज मेरे इस सर्विस में आ ही गई. I requested Mr. Jimmy to exempt me from gymnastics so that I might be free to serve my father, but he would not listen to me. अब क्या था, वो उन्होंने जिमी से exempt, क्या होता है exempt meaning to make someone free. तो उन्होंने कोशिश की कि भाई उनको फ्री कर दो जिससे मैं अपने पापा की सेवा कर पाऊँ, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया. Now it so happened that one Saturday when we had school in the morning, I had to go from home टू द स्कूल फॉर जिमनास्टिक एट 4 o'clock इन द आफ्टरनून. अब क्या हुआ कि एक सैटरडे को उनको स्कूल में जाना था, मॉर्निंग में जाना था और घर से स्कूल जाना था 4 बजे के करीब. आई हैड नो वॉच एंड द क्लाउड रिसीव मी. उनके पास वॉच नहीं थी और बादलों ने उन्हें धोखा दे दिया, मतलब बादल हुए तो उन्हें टाइम का पता नहीं चला. बिफोर आई रीच द स्कूल द बॉयज़ हैड ऑल लेफ्ट. जैसे ही वो स्कूल पहुँचने से पहले ही उनके जो बॉयज़ थे वो लेफ्ट कर गए. द नेक्स्ट डे मिस्टर जिमी एग्जामाइनिंग द रोल फाउंड मी मार्क्ड एबसेंट. तो जब उन्होंने नेक्स्ट डे उनको एग्जामिन किया कि भाई वो एबसेंट थे, तो उनको एबसेंट नोटिस किया उन्होंने. बींग आज द रीज़न फॉर एबसेंस आई टोल्ड हिम वट हैड हैपन. और जब उन्होंने रीज़न पूछा तो मैंने उनको सारी बात बता दी. ही रिफ्यूज़ टू बिलीव मी, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया बिलीव करने से. एंड ऑर्डर्ड मी टू पे अ फाइन ऑफ 1 or 2 anas. और उनको क्या बोला कि आपको 1 or 2 ana पे करने ही पड़ेंगे. एट दैट टाइम अना वॉज रनिंग ना, अना चलते थे तब. आई वॉज कन्विक्टेड ऑफ लाइंग, मुझे झूठा माना गया. दैट डीपली पेंड मी, जो कि मुझे बहुत पेन किया. हाउ वॉज आई टू प्रूव माई इनोसेंस, मैं कैसे अपनी इनोसेंस को प्रूव करूँ. देयर वॉज नो वे, कोई तरीका ही नहीं था. आई क्राइड इन डीप एंग्विश, और मैं बहुत गुस्से में भी रोया. आई सॉ दैट अ मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट ऑल्सो बी अ मैन ऑफ केयर, कि एक ट्रूथ जो ट्रूथफुल मैन होता है उसको मैन ऑफ केयर भी होना चाहिए. दिस वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंसिडेंट ऑफ माई केयरलेसनेस इन स्कूल. और ये मेरा फर्स्ट और लास्ट इंसिडेंट था केयरलेसनेस का मेरे स्कूल में. आई हैव अ फेंट रिकोलेक्शन दैट आई फाइनली सक्सीडेड इन गेटिंग द फाइन रेमेडीड. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. फेंट रिकोलेक्शन मीन्स थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का धुंधला धुंधला उसको याद है कि उसको जो है उनको जो है फीस ना देनी पड़े, उस चीज़ से उनको छुटकारा मिल गया था. रेमेडीड मीन्स लीव. ओके. द एग्जेम्पशन फ्रॉम एक्सरसाइज वॉज ऑफ कोर्स ऑब्टेन एज माई फादर रोट हिमसेल्फ टू द हेड मास्टर सेइंग दैट ही वॉन्टेड मी एट होम आफ्टर स्कूल. और उस चीज़ से उनको छुटकारा तो मिल गया था, एग्जेम्पशन हो गया था उनका, क्योंकि उनके फादर ने उनको हेड मास्टर को लेटर लिख के बताया कि मेरा बेटा मुझे पढ़ाई के बाद मुझे घर पे चाहिए. तो इस चीज़ से उनको छुटकारा मिल गया था. बट दो आई वॉज नन द वर्स फॉर हैविंग निगलेक्टिंग एक्सरसाइज. नन द वर्स मीन्स अ चेंज फॉर द वर्स, पहले से बदतर हो जाना. लेकिन एक्सरसाइज को निगलेक्ट करने के बाद तो मेरी हालत और ख़राब हो गई. आई एम स्टिल पेइंग द पेनल्टी ऑफ अनदर निगलेक्ट. और मैं अभी भी पेनल्टी दे रहा हूँ अदर निगलेक्ट की. आई डोंट नो वेंस आई गॉट द नोशन दैट गुड हैंड राइटिंग वॉज नॉट अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन. पता नहीं मेरे दिमाग में कहाँ से ये विचार आ गया कि भाई जो गुड हैंड राइटिंग होती है वो कोई एजुकेशन का ज़रूरी पार्ट नहीं होती है. बैड हैंड राइटिंग होगी तो भी चलेगा. आई वॉज असीम्ड ऑफ माई सेल्फ एंड डिपेंडेंट ऑफ माई निगलेक्ट. मैं इस चीज़ पे मैं शर्मिंदा हूँ और अभी पछता रहा हूँ. आई सॉ दैट बैड हैंड राइटिंग शुड बी रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ एन इम्परफेक्ट एजुकेशन. और मुझे लगता है कि जो बैड हैंड राइटिंग है वो इम्परफेक्ट एजुकेशन का साइन है. आई ट्राइड लेटर टू इम्प्रूव माइंड बट इट वॉज टू लेट. आई कुड नॉट नेवर रिपेयर द निगलेक्ट ऑफ माई यूथ. लेट एवरी यंग मैन एंड वूमेन बी वॉर्न बाय माई एग्जाम्पल. ओके. सो वो कह रहे हैं आई ट्राई टू लेटर इम्प्रूव. मैंने अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश तो की बट इट वॉज टू लेट बिकॉज ही वॉज इन द हैबिट ऑफ राइटिंग दिस टाइप ऑफ राइटिंग. ओके. आई कुड नेवर रिपेयर द निगलेक्ट ऑफ माई यूथ. लेट एवरी वन. और जो जो लोग हैं, जो यंग हैं, जो यूथ हैं, उनको
जो लेडीज़ हैं और जो जेंट्स हैं उनको मेरे इस एग्जांपल से समझने दो इस चीज़ को, एंड अंडरस्टैंड दैट गुड हैंडराइटिंग इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन, और उनको ये समझने दो कि गुड हैंडराइटिंग जो होती है वो नेसेसरी पार्ट होती है एजुकेशन का। आई एम नाउ of opinion that children should first be taught the art of drawing before learning how to write. और मेरा अभी ये मानना है कि बच्चों को राइटिंग सिखाने से पहले उनको आर्ट सिखाना बहुत ज़रूरी है, आर्ट ऑफ ड्राइंग सिखाना ज़रूरी है। ड्राइंग में उनको लकीरें खींचना वो पहले ज़रूरी है राइटिंग सिखाने से पहले। लेट द चाइल्ड लर्न हिज लेटर्स बाई ऑब्जर्वेशन एज ही डज डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स सच एज फ्लावर्स बर्ड्स एट्सेट्रा। बच्चे को खुद ही सीखने दो, ऑब्जर्व करके सीखने दो हैंड राइटिंग के बारे में, जैसे फ्लावर्स है बर्ड्स है, इन चीज़ों को जैसे ऑब्जर्व करके बच्चे सीखते हैं, उन इस तरह से हैंड राइटिंग भी सीखने दो उनको ऑब्जर्व करके। एंड लेट हिम लर्न हैंड राइटिंग ओनली आफ्टर ही हैज़ लर्न टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट्स, एंड लेट हिम लर्न हैंड राइटिंग उनको सीखने दो आफ्टर ही हैज़ लर्न टू ड्रॉ ऑब्जेक्ट। जब वो ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो उनको उस पहले ड्रॉ करने दो और फिर उनको हैंड राइटिंग सीखने दो अपने आप ही। ही विल देन राइट अ ब्यूटीफुली फॉर्म्ड हैंड, उसके बाद वो इसको ब्यूटीफुली रिटर्न करना सीख जाएंगे। सो दिस वॉज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल नाउ। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से दैट वेन एवर यू वॉच द वीडियो जस्ट टेक आउट योर बुक एंड कीप द फिंगर लाइन टू लाइन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ओके, बाय, टेक केयर।